इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने SBI डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड को SBI ATM मशीन के अंदर इंसर्ट कर लेना है, और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको बैंकिंग वाले ऑप्शन को चुन लेना है। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज को चुन लेना है, और सर्विसेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट चैनल यूसेज लिमिट को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर यूसेज चैनल अपडेट को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन यहाँ पर आपको ई कॉमर्स वाले ऑप्शन को चुन लेना है। ई कॉमर्स वाले ऑप्शन को चुनने के बाद यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है, इनेबल पर टच कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 10 से 99 के बीच कोई भी दो अंक डालने होंगे, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 29, और फिर यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड का 4 अंकों का पिन डाल लेना है, जो कि आपने सेट किया होगा। पिन डालने के बाद यहाँ पर प्रोसेस होगा, और प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ पर आपके SBI रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 4 अंकों का OTP आएगा, तो उस OTP को जो है आपको SBI ATM मशीन के अंदर इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आपको जो है ATM मशीन में यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस OTP को जो 4 डिजिट का होगा उसको डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका जो SBI डेबिट कार्ड है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूव हो चुका है। तो बस इतना सिंपल सा काम है।